गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द चैप्टर 7th. फर्स्टली वी विल डिस्कस बिफोर एक्सरसाइज 7.2. ये थ्योरम हम डिस्कस करेंगे. थ्योरम क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल. क्या प्रूव करना है? आइसोसेलस ट्रायंगल आपको दी हुई है, यानी इसके दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. आपने शो करना है किसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं इक्वल साइड्स के. तो पूरा वही लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC. प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. कंस्ट्रक्शन कर दी हमने, इस AD को बाइसेक्टर प्रूफ ड्रॉ कर दिया एंगल ए का. प्रूफ में वही कॉन्ग्रेंसी लेंगे, आप ट्रेंगल BAD ले लेंगे और CAD ले लेंगे. एक ट्रेंगल ये ले ली हमने और एक हमने ये ले ली. अब इसमें क्या है, हमारे पास AB इक्वल टू AC गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया, AD कॉमन है. तो बाय SCS रूल से ट्रेंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रेंट होगी. अगर ट्रेंगल्स कॉन्ग्रेंट तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT. तो इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी. इसका वाइस वर्सा भी ऐसे ही है, उसमें आपके क्या, आपको एंगल इक्वल दिए होंगे, साइड्स इक्वल करनी होगी. ठीक है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रही, आप कर लेंगे. उसमें क्या होगा, अपोजिट एंगल के सामने, इक्वल एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, हमें ये प्रूव करना है. तो इस थ्योरम दोनों को यूज़ करके हम सम करेंगे. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और C है, दोनों O पे ज्वाइन हो रहे हैं, शो करना है OB इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को. ट्रायंगल ABC दिया हुआ, गिवन टू प्रूव, आप सारा वैसे ही लिखेंगे, प्रूफ उठा रही हूँ मैं. ट्रायंगल ABC में आपके पास क्या है, AB इक्वल टू AC गिवन है, फिर एंगल B और C के बाइसेक्टर O पे मीट कर रहे हैं. बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, 1, 2 और 3, 4 एंगल इक्वल हैं. ठीक है, अब AB और AC इक्वल दिया तो बाय थ्योरम जो भी डिस्कस किया तो एंगल B और C इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल. यहाँ आप मेंशन कर देंगे इस थ्योरम को. अगर B और C इक्वल हैं तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, उसका हाफ अब 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है B का. तो मैंने यहाँ से इक्वल कर दिया 1 और 3. तो सिमिलरली आप लिखेंगे 2 और 4 भी इक्वल होंगे, क्योंकि उसका हाफ 2 और 4 भी है. बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, हाफ हाफ. तो अगर हमारे पास 1 और 3 इक्वल हैं तो 1 के सामने वाली साइड कौन है, OC. 3 के सामने वाली साइड कौन है, BO. तो अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. यहाँ आप लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल. अब फर्स्ट पार्ट हो गया. फिर उसने कहा था कि AO प्रूव करो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल इक्वल करने हैं हम लोगों ने. ठीक है, हमें प्रूव करना है ये एंगल इक्वल, AO जो सा है वो बाइसेक्ट करता है. तो हम ले लेंगे फिगर हमारी ये थी, यहाँ पे आपका 1, 2 था और यहाँ पे 3, 4. हमें अभी ये एंगल इक्वल करने हैं. ठीक है, तो ट्रायंगल ले लिया मैंने AOB और AOC. इसमें हमने प्रूव कर दिया OB इक्वल टू OC, अभी प्रूव किया है. एंगल 2 और 4 भी मैंने अभी प्रूव किया है. और हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू AC गिवन है. तो मैंने आपको बताया था SAS में ऐसे फिगर बनती है, तो बाय SAS रूल, S हो गया A हो गया S से हो गया. SAS रूल से ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी. लेबलिंग बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए, अगर लेबलिंग गलत है तो सम में नंबर कटेंगे आपके. उसके बाद अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. आप लिख सकते हो इसको 5 और 6 बाय CPCT. और लास्ट में वो लाइन भी लिख सकते हो आप कि AO ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल A को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का शो करना है AB इक्वल टू AC. क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, गिवन टू प्रूव है, वैसे ही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में है. आपको AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 का एंगल और बेस को वो बाइसेक्ट कर रहा है. तो वही BD इक्वल टू DC गिवन है आपको, एंगल 1 और 2 90 के गिवन है आपको. वही ट्रायंगल उठाएंगे ABD और ACD. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, AD कॉमन. ठीक, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, BD इक्वल टू CD गिवन, क्यों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ पे आप लिख देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो बाय SAS रूल्स ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रेंट. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल. तो AB इक्वल टू AC हमारे पास हो गया. गॉट इट. नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, वैसे ये AAS रूल से हुआ है सम, चलो मैंने डिस्कस कर दिया, अगर डिलीट हो गया तो मत करना. क्वेश्चन 3rd में हमारे पास ये फिगर बुक में दी हुई है. ABC आपको आइसोसेलस ट्रायंगल दी हुई है जिसमें एल्टीट्यूड्स क्या हैं, BE और CF है, इक्वल साइड्स पे ड्रॉ किए गए हैं. यानी AB और AC इक्वल दिए हुए हैं, उस पर हमने BE और CF एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं और आपने शो करना है BE और CF इक्वल हैं. आप गिवन टू प्रूफ जो मैंने बोला है वो सारा लिखना है. मैंने सीधा आपका सम उठा लिया, ट्रायंगल मैंने पिकअप कर ली एक, तो ये BEC और एक मैंने ले ली CFB. इसमें हमारे पास क्या है, B और C इक्वल है, क्यों, AB इक्वल टू AC गिवन है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल 1 और 2 क्या है 90 डिग्री के हैं, ये भी गिवन है.
BC कॉमन होगी, देखो दोनों में ओवरलैप भी हो रही थी जब मैंने फिगर रोकी थी, ठीक है। फिगर के अंदर आपकी BC क्या है, ओवरलैप कर ही रही थी तो BC कॉमन हो गया। तो अब इसमें AAS रूल लग गया क्योंकि दोनों साइड्स को, दोनों एंगल की इंक्लूडिंग साइड नहीं है। देखो फिगर के अंदर एंगल सी यहीं रह गया, एंगल वन यहाँ रह गया, साइड ये वाली है तो ए हो गया AAS रूल। अगर साइड ये वाली होती EC होती तो ASA लग जाता, तो AAS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी, BE इक्वल टू CF हो गया बाय CPCT। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रायंगल ABC और DBC दी हुई है, आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस BC, शो करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। आपको इसमें फिगर दी हुई है, इसको आप कॉन्ग्रेंसी से भी कर सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। ABC ट्रायंगल आपको आइसोसेल्स दी हुई तो AB इक्वल टू AC होगा, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे बाय अपोजिट साइड्स, अगर इक्वल हों तो ट्रायंगल्स के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फिर DBC आपको क्या दी हुई है, ट्रायंगल दी हुई है जिसमें DB इक्वल टू DC है, इसमें भी क्या होगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। मेंशन क्या करेंगे, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है, तो 1 + 3 इक्वल टू 2 + 4। अब जो फिगर देखो, 1 + 3 पूरा एंगल बन रहा है ABD और 2 + 4 पूरा एंगल बन रहा है ACD, तो हमारे पास क्या हो गया, ABD इक्वल टू ACD इक्वल हो गया हमारे पास। ABD और ACD लिखना है यहाँ पे, BE नहीं लिखना, ठीक है। BE भी लिख दो तो कोई गलत नहीं है, बट ABD मेंशन करो, जब प्रूव वही करना है आपने, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज को आप सबसे कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट है पूछ लेना। ट्राइंगल ABC जन आइसोसेल्स ट्राइंगल है, BA को प्रोड्यूस किया गया D तक सच दैट AD इक्वल टू AB है, शो करना है एंगल BCD इज़ अ राइट ट्रायंगल। क्या है आपके पास, फिगर बुक में गिवन है ABC ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेल्स हैं और BA को प्रोड्यूस किया गया है D तक, और इस तरह से प्रोड्यूस किया गया कि जो AD गैप है वो AB के इक्वल है। हमें शो करना है BCD राइट एंगल है, यानी ये वाला एंगल 90 का प्रूफ करना है, ठीक है। अब वही गिवन टू प्रूफ आप लिखेंगे, मैं प्रूफ पे आ रही हूँ डायरेक्ट। AB इक्वल टू AC गिवन है, AD इक्वल टू AB भी गिवन है, AB कॉमन हो गया तो इससे AD और AC भी क्या हो गए, इक्वल। यहाँ पे लिखोगे सो AC इक्वल टू AD। अब AC और AD एक ही ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, तो अगर ट्रायंगल के हमारे पास क्या होता है, दो साइड्स अगर इक्वल हो तो अपोजिट हमारे पास क्या होता है, दो साइड्स अगर इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। AC के सामने वाला एंगल 2 है, AD के सामने वाला एंगल 1 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, थ्योरम आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद AB इक्वल टू AC भी हमारे पास है इक्वल, तो AB के सामने वाला एंगल है 4, AC के सामने वाला एंगल है 3, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये फुल एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो एंगल कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, चारों का एंगल क्या है, सम क्या है, 180। अब हमें लेके आना है 1 और 4, ठीक है। अब 1 और 2 आपस में इक्वल थे तो मैंने 2 की जगह 1 रख दिया, 3 और 4 आपस में इक्वल थे तो मैंने 3 की जगह 4 रख दिया, क्योंकि मुझे डील ही 1 और 4 से करना है। एंगल 1 + 1 हो गया डबल ऑफ एंगल 1, एंगल 4 + 4 हो गया डबल ऑफ एंगल 4, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 + 4 180 से 2 कट गया 90। तो हमने यही शो करना था कि एंगल सी हमारा 90 का है, या यूँ बोल दो एंगल BCD आपका 90 का है। तो इस तरह से 7.2 हमने डिस्कस कर दी, कोई डाउट हो पूछिए। थैंक यू।